नमस्कार मित्रों, हूँ मोहन गढ़वी। गुजराती दुनिया यूट्यूब चैनल में फरी एक बार आप सब मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, लांबा समय थी गुजरात में वरसाद विराम पछी हवे वरसाद ने लईने सारा समाचार सामे आवी रहा छे। वरसाद आश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत थी गई है और वरसाद आ नक्षत्र आगामी 16 तारीख सुधी चालशे। 3 तारीखे सवारे 9:38 सूर्य नो प्रवेश आश्लेषा नक्षत्र में थयुं छे। मित्रों, आश्लेषा नक्षत्र नो वाहन मोर छे अने मोर ने वरसाद गमतो होय छे। तो मित्रों, आश्लेषा नक्षत्र में वरसाद नी केवी शक्यता रहेशे? शुं गुजरात में फरीवार अति भारे वरसाद नो राउंड आवशे? आज थी आगामी 16 तारीख सुधी गुजरात में वरसाद नो प्रमाण केवो रही सके छे? तो मित्रों, आवा बधा प्रश्नों पर आजना वीडियो में आपणे खूब ज विस्तारपूर्वक बात करवानी छे। माटे आ वीडियो ने छेले सुधी जोजो अने जो आ चेनल पर नवा छो तो हमणां ज आ चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। तो चालो आजनो आ महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करिए। मित्रों, अहीं सौथी पहला आपणे आश्लेषा नक्षत्रनी प्राचीन लोकवायका उपर वात करिए, एना पछी बीजा प्रश्नों उपर वात करीशुं। तो मित्रों, आश्लेषा नक्षत्रनी प्राचीन लोकवायका छे के आश्लेषा चगी तो चगी अने जो फगी तो फगी। आ लोकवायकानो अर्थ थाय छे के जो आश्लेषा नक्षत्रमां सारो वरसाद पड़े तो खूब ज अति भारे वरसाद पड़ी जतो होय छे, अने जो सामान्य वरसाद पड़े तो पछी सामान्य ज रहे छे। अहीं खुशीनी वात ई छे के आ वर्षे आश्लेषा नक्षत्रमां सारा वरसादनी शक्यता देखाई रही छे। आश्लेषा नक्षत्र ने लईने जाणीता हवामान शास्त्री अंबालाल पटेले पण पोतानी आगाही आपी छे। अंबालाल पटेलनी आगाही अनुसार आज रातथी गुजरातना छूटा छवाया विस्तारोमां सारो एवो वरसाद जोवा मळशे। गुजरातमां हवे धीरे धीरे वरसादनो जोर वधी रह्युं छे त्यारे हवामान विभाग द्वारा पण वरसादने लईने महत्वनी आगाही करवामां आवी छे। मित्रों, मंगळवारे वेधर वॉच ग्रुपनी साप्ताहिक बैठक योजाई हती। आ बैठक में हवामान विभाग ना नियामक मनोरमा मोहिंतीए जणाव्युं हतुं के राज्य में ऑगस्ट महीना दरमियान अति भारे वरसाद नी शक्यता नहीवत रहेशे, पण आगामी 4-5 दिवसों में गुजरात ना विविध जिल्लाओं में हळवा थी मध्यम कक्षानो वरसाद पड़ी सके छे। आगामी 4-5 दिवस राज्यना केटलाक विस्तारों में छूटो छवायो वरसाद पड़ी सके छे, ज्यारे केटलाक विस्तारों में हळवा थी मध्यम वरसाद नी आगाही करवामां आवी छे। आज थी मित्रों कच्छ अने सौराष्ट्रना विस्तारों में हळवा थी मध्यम वरसादनी शक्यता व्यक्त करवामां आवी छे। आगामी 6 ऑगस्ट थी वरसादना प्रमाणमां सामान्य वधारो जोवा मळशे, पण आगामी 10 ऑगस्ट सुधी भारे थी अति भारे वरसादनी शक्यता थोड़ी ओछी रहेशे। संपूर्ण ऑगस्ट महीनामां अलग अलग विस्तारों में वरसाद पड़तो रहेशे एवं मनोरमा मोहिंतीए जणाव्युं छे। वरसादनी नवी सिस्टम सक्रिय थता हळवा थी मध्यम वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। हवामान विभाग अनुसार बात करिए तो आ आखा महीना दरमियान हवे गुजरात में वरसादी माहौल यथावत रही सके छे। हमणा आज थी आगामी 10 ऑगस्ट सुधी अलग अलग विस्तारों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ना कारणे हळवा थी मध्यम वरसाद जोवा मळशे, ज्यारे आगामी 10 थी करी अने 18 तारीखना सेशन में केटलाक विस्तारों में सारा वरसादनी शक्यता रहेशे। गुजरात में मित्रों जुलाई महीना दरमियान खूब ज अति भारे वरसाद जोवा मळ्यो हतो, खास करीने 1-20 जुलाई सुधी वरसादनो प्रमाण सारो हतो। हमणा लांबा समय थी वरसादे विराम लीधो छे, कोई कोई विस्तारों में वरसादी झापटा नोंधाया छे, पण मोटा भागना विस्तारों में वराप निकली आव्यो छे। हमणा सुधी खेतीना कामों पण लगभग समग्र गुजरात में पती गया छे अने हवे खेडूतो एक सारा वरसादनी राह जोई रह्या छे। त्यारे खेडूत मित्रों ने खास जणावानुं के हमणा 10 ऑगस्ट सुधी गुजरातना छूटा छवाया विस्तारों में हळवाथी मध्यम वरसादनी शक्यता छे, पण आगामी 10 ऑगस्ट सुधी भारे वरसादनी शक्यता थोड़ी ओछी रहेशे। 10 ऑगस्ट सुधी में अमुक सीमित विस्तारों में भारे वरसाद आवी सके, बाकी 10 ऑगस्ट सुधी भारे वरसादनी शक्यता नहीवत छे। भारे वरसाद 10 थी करी अने 16-17 तारीख सुधी में पड़ी सके छे, जेमां केटलाक विस्तारों में हळवो मध्यम क्यांक क्यांक भारे तो कोई कोई विस्तारों में अति भारे वरसादनी पण शक्यता रहेशे। हवे मित्रों, आपणे हालनी वरसादी सिस्टमो उपर थोड़ीक वात करी लईए, माटे आ वीडियो साथे अंत सुधी बन्या रहेजो। तो मित्रों, हाल में चोमासु पंजाबना अमृतसर थी बंगाळनी खाड़ी सुधी लंबायुं छे, पण मित्रों आवती 7-8 तारीखनी आजूबाजू चोमासु नीचे तरफ सरकी जशे, जेना कारणे गुजरातमां पण वरसादना प्रमाणमां वधारो थशे। हमणा अरबी समुद्रमां एक अपर एर सर्क्युलेशन सिस्टम बनवानी संभावना छे। अरबी समुद्रनी आ सिस्टम अने हालमां आंध्रप्रदेशना विस्तारोमां एक यूएसई सक्रिय छे। आ यूएसई सिस्टम उत्तर दिशा तरफ आगळ वधशे अने ओडिशाना कांठे पहोंचता आ सिस्टम एक लो प्रेशरमां फेरवाशे। हवे आ लो प्रेशर सिस्टम अने अरबी समुद्रमां जे यूएसई बनशे ई बन्नेनी वच्चे एक बहोळुं सीयर झोन बनी शके छे।
जेना कारणे वरसादनी एक्टिविटी में वधारो जोवा मळशे। आवी रीते मित्रों हमणा आ सिस्टमोना कारणे आगामी 24 कलाक में खास करीने मध्य पूर्व सौराष्ट्रना भागो अने दक्षिण सौराष्ट्रना भागो में हळवाथी भारे वरसादी झापटा पड़वानी शक्यता छे। अमुक विस्तारों में सारो एवो हळवो मध्यम वरसाद पण पड़ी शके छे। आवी ज रीते मित्रों मध्य गुजरात अने दक्षिण गुजरातना विस्तारों में पण आगामी 24 कलाक दरमियान हळवाथी भारे वरसादी झापटा पड़ी शके छे। ज्यारे आवतीकालथी वरसादना प्रमाणमां आनाथी पण थोड़ोक वधारो जोवा मळशे। आवतीकाले मध्य गुजरातना विस्तारों दक्षिण गुजरातना विस्तारों उत्तर गुजरातना अमुक विस्तारों तेमज दक्षिण सौराष्ट्रना विस्तारों में वरसादनो प्रमाण वधी शके छे। तो हालना मुडलो प्रमाणे मित्रों आजथी आगामी 7 तारीख सुधी छूटा छवाया विस्तारों में हळवो के मध्यम वरसाद जोवा मळशे। अमुक विस्तारों ने बात करता भारे वरसादनी शक्यता आगामी 7 तारीख सुधी नथी देखाती। 5 અને 6 તારીખમાં પણ વરસાદના પ્રમાણમાં થોડો ઘણો વધારો થશે, જેમાં સૌરાષ્ટ્ર મધ્ય ગુજરાત ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં 5 અને 6 તારીખમાં હળવા વરસાદની શરૂઆત થઈ શકે છે। 6 તારીખ પછી જેમ જેમ સમય નીકળતો જશે તેમ તેમ વરસાદના પ્રમાણમાં વધારો થતો જશે। હવે મિત્રો બંગાળની ખાડીમાં જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ છે એ સિસ્ટમ હાલના મોડલો પ્રમાણે સીધી ગુજરાત ઉપર આવી રહી છે, પણ અમુક મોડલોમાં થોડો ઘણો ફેરફાર પણ જોવા મળી રહ્યો છે। બંગાળની ખાડીની આ લો પ્રેશર સિસ્ટમ ગુજરાત ઉપરથી પસાર થશે એવી શક્યતા હાલમાં થોડીક વધારે છે, કારણ કે આ સિસ્ટમને ગુજરાતમાં આવવા માટે અનુકૂળ વાતાવરણ મળશે। બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમના અસરના ભાગરૂપે આગામી 7-8 તારીખથી ગુજરાતમાં ભારે વરસાદનો રાઉન્ડ ચાલુ થવાની શક્યતા છે। વરસાદનો આ ત્રીજો રાઉન્ડ આગામી 7-8થી કરી અને 12-13 તારીખ સુધી જોવા મળી શકે છે, જેમાં ગુજરાતના લગભગ મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હળવાથી ભારે અને અમુક વિસ્તારોમાં અતિભારે પણ વરસાદ પડી શકે છે। તો મિત્રો આજથી આગામી 7-8 તારીખ સુધી છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જામશે। કોઈ કોઈ વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડતા રહેશે, જ્યારે કોઈ કોઈ વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની પણ શક્યતા રહેશે। આના પછી 7-8 તારીખથી 12-13 તારીખ સુધીના સમયગાળા દરમિયાન હળવાથી ભારે અને કોઈ કોઈ વિસ્તારોમાં અતિભારે વરસાદનો રાઉન્ડ સમગ્ર ગુજરાતમાં જોવા મળી શકે છે। મિત્રો આના પછી પણ બંગાળની ખાડીમાં વધુ એક લો પ્રેશર સિસ્ટમ બનશે અને આ સિસ્ટમ પણ ગુજરાતને સારા વરસાદનો લાભ આપી શકે છે। તો મિત્રો આ એક ખૂબ જ સારા સમાચાર છે કે ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ જુલાઈની જેમ જ બેક ટુ બેક વરસાદી સિસ્ટમો બનશે અને ગુજરાતમાં સારો વરસાદ પડી શકે છે। મિત્રો તમારા માટે એક સારા વિષય ઉપર વિડીયો બનાવવામાં અમને ઘણો જ સમય લાગી જાય છે, માટે આ વિડીયોના બદલે અમે તમારા પાસેથી એક લાઇક અને એક શેરની આશા જરૂર રાખીએ છીએ, કારણ કે તમારી એક લાઇક અને એક શેર અમને આવા જ જાણકારીસભર વિડીયો બનાવવાની પ્રેરણા આપે છે। માટે જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરીને તમારા મિત્રો અને પરિજનો સાથે શેર કરવા ખાસ વિનંતી। અને જો તમે અમારા ગુજરાતી દુનિયા નામના યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર પહેલીવાર આવ્યા છો તો હમણાં જ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। સબસ્ક્રાઇબ કર્યા બાદ બાજુમાં જે બેલ આઇકન જે ઘંટડીનો નિશાન આવે એને દબાવી નાખજો, જેનાથી અમારા દરેક વિડીયોની જાણકારી તમને નોટિફિકેશનના માધ્યમથી મળતી રહે। આખો વિડીયો જોવા બદલ આભાર। હવે આપણે મળીશું એક આવા જ નવા જાણકારીસભર વિડીયોમાં। ધન્યવાદ।